हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेनलम ईडीयू। पेनलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज का सेशन हमारा वीकली बैंकिंग अवेयरनेस हम लोग रिवाइज करेंगे। आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए हम लोग लेकर आए हैं वीकली बैंकिंग अवेयरनेस। इस सेशन में पूरे वीक में जो भी आपकी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड न्यूज़ होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है बैंकिंग से रिलेटेड जो आपका इकोनॉमिक अवेयरनेस हम कह लीजिए, बैंकिंग कह लीजिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस कह लीजिए, जो भी नाम आप उसको देना चाहें। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैसे कि आपका SSC में क्वेश्चंस आपको बैंक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। सो आपके SSC एग्जाम्स को ये केटर करेगा, स्टेट PCS एग्जाम्स को ये आपका जो सेशन है इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है, CDS को ये आपका कंप्लीट करेगा, IBPS क्लर्क हुआ, IBPS आपका देन SBI PO हुआ, मेंस की हम बात करें IBPS PO हुआ। तो जहाँ भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्स है RRB NTPC अगर एक्सेट्रा, सो सभी में आपके ये बैंकिंग अवेयरनेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। सो हम लोग इसी तरह से रिविजन करेंगे, पूरे वीक का हम लोग रिविजन किया करेंगे। सो आपके पूरे वीक के एक ही जगह पर आपको पूरा जो है जो क्वेश्चंस हैं एंड जो हमारा सेशन है रिलेटेड टू बैंकिंग न्यूज़ जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये सेशन हमारा इसी तरह से चला करेगा कि हम लोग इसमें पहले न्यूज़ कवर करेंगे, देन उससे रिलेटेड हम उसका क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें आपकी एक ही सेशन में कवर हो जाए। सो हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं, आयरन मैन जुड़ चुके हैं, ओनली पीडिया भी जुड़ चुके हैं, करिश्मा, राहुल, विजय। सो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं सेशन की गाइज, चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है बिल्कुल। ओनली पीडिया आप अभी देखेंगे सेशन को जब, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो देखिए, बैंकिंग सिस्टम की हम लोग बात करें, पहला न्यूज़ आपका बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो LIC ने 17.80% जो शेयर है वो इंडियन बैंक में इशू किए हैं अंडर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के अंतर्गत। LIC ने यहाँ पर इंडियन बैंक में 17.80 जो परसेंट शेयर है उनको इशू किया है। सो LIC के बाद SBI के द्वारा इतना परसेंट जो है 11.87% इंडियन बैंक्स में शेयर जो है इशू किए गए हैं। सोसाइटी जनरल और उसकी अलग स्कीम्स है 9.74%। कैनरा बैंक ने 5.93 ऑफ जो शेयर्स हैं उनको ऑफर किया है इस इशू में। सो इंडियन बैंक ने इस इशू के ज़रिए टोटल 1650 करोड़ जो है अपने रेज किया है अपने QIP में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में शेयर्स के, ठीक है। तो LIC ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर्स को पिकअप किया है इंडियन बैंक के। तो इंडियन बैंक के द्वारा इशू किए गए थे शेयर्स ये, क्योंकि उसको फंड रेज करना था, जाहिर सी बात है। सो यहाँ पर LIC ने पिकअप किया सबसे ज़्यादा शेयर, उसके बाद SBI का नंबर आता है, फिर सोसाइटी जनरल का नंबर आता है, फिर कैनरा का नंबर आता है, ठीक है। चलिए, आई होप ओनली पीडिया आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी आपके बैंक की अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा गाइज, जो आपका और करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसके लिए आपका रोज़ाना सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो और वीकली रिवीजन होता है, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो मार्च 2021 में जो इसका बोर्ड कमिटी है बैंक का, सो ऑन कैपिटल रेजिंग, इसने अप्रूवल दे दिया था कि भाई आप जो इक्विटी कैपिटल जो है इसको आप रेज कर सकते हैं अप टू 4000 करोड़ QIP के ज़रिए एक या ज़्यादा ट्रांश में, यानी कि एक बार में आप इतना पैसा रेज कर सकते हैं, या फिर उनको ट्रांशेज में यानी कि अलग अलग हिस्सों में आप उसको रेज कर सकते हैं। ये जो इंडियन बैंक की जो बोर्ड कमेटी है उसने अप्रूवल दे दिया था मार्च 2021 में, अब इन्होंने पहला यहाँ पे ट्रांश जो है जारी किया है, तो इसमें अभी इनको 1000 कुछ करोड़ रुपये मिल चुके हैं। सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या है? ये एक तरीका है जिसके द्वारा फंड रेज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरे शेयर्स हैं तो मैं शेयर्स बेचकर यहाँ पर फंड रेज कर सकती हूँ। सो QIPs कैन बी इशू टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, म्यूचुअल फंड है, आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आपके FIIs हैं, सो इन सब में ये बायर्स जो हैं ये इनको इशू किया जा सकता है QIPs के अंतर्गत, ठीक है।
सोसाइटी जनरल की हम बात करें तो ये फ्रेंच मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। कैनरा बैंक के बारे में आपको पता है, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया था। कैनरा बैंक आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप SBI को भी जानते हैं, आप जो इससे पहले हमने बैंक पढ़ा था LIC के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये सोसाइटी जनरल जो है फ्रेंच मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। सो LIC की हम बात करें तो ये आपका 1 सितंबर 1956 में फाउंड हुआ था। एंड इसके जो चेयरपर्सन है करेंटली वो कौन है, वो आपके MR कुमार हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसकी, मुंबई में है, ठीक है। ओनलीपीडिया करंट अफेयर्स का पार्ट वन आपको वही मिल जाएगा, लिस्ट जो आपके वीडियो की जो लिस्ट है उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करंट अफेयर्स करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पार्ट वन वहीं पर है, ठीक है। उसमें पार्ट वन लिखा नहीं है बट उसमें डेट मेंशन है, आपको वहीं से मिल जाएगा। सो क्वेश्चन देखिए, इस रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सब्सक्राइब टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन इंडियन बैंक इशूड अंडर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। सो LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, सोसाइटी जनरल, कैनरा बैंक एंड एक्सिस बैंक। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, यहाँ पर सभी के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज LIC, ठीक है। LIC विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये सभी लोग कमेंट करिए, ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे। RBI एक्सटेंड्स वैलिडिटी ऑफ इट्स डायरेक्शंस टू PMC बैंक टिल 31 दिसंबर 2021। RBI जो कि अपने इसने कुछ डायरेक्टिव्स जो है भेजे थे, डायरेक्शंस पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए, सो इसको फिर से फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक। तो डायरेक्शंस 1 जुलाई के लिए वैलिड थे अभी तक, और अब इसको फिर से फर्दर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है कि इसको और बढ़ा दिया जाए। सो RBI ने कहा है कि कुछ प्रपोजल्स जो है यहाँ पे RBI को रिसीव हुए हैं कि जो PMC बैंक है इसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सके। सो ये जो प्रपोजल है ये सेंट्रम फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत पे इन्होंने जो है कहा है कि फिजिबल है ये प्रपोजल जो भेजे गए हैं इनके द्वारा, ये थोड़े फिजिबल है, तो देखते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन कब किया जाएगा। सो 18 जून 2021 में RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था CFSL को कि भैया आप एक स्मॉल फिनेंस बैंक जो है इसको सेटअप कर सकते हैं। तो स्मॉल फिनेंस बैंक क्या होते हैं, छोटे बैंक होते हैं जो आपके माइक्रो जो है आपके लोन वगैरह प्रदान करते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कैटर करने के लिए आपका ये बेसिकली स्मॉल फिनेंस बैंक जो है बनाया गया। तो स्मॉल क्रेडिट्स के लिए आपका ये है। सो इसका जो अप्रूवल है दिस इज़ वैलिड फॉर 120 डेज, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया, 120 दिन के लिए अप्रूवल जो है वैलिड रहेगा। CFSL और भारत पे इक्वल पार्टनर्स इन दी प्रपोज्ड SFB, तो ये इक्वल पार्टनर्स रहेंगे जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रपोज हुआ है। सो 900 करोड़ का जो है यहाँ पर जॉइंट वेंचर यहाँ पर दोनों के द्वारा कमिट किया गया है पहले साल में। मिनिमम पेड अप नेटवर्थ जो आपको चाहिए कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टार्ट करने के लिए वो 200 करोड़ है, और ये जॉइंट वेंचर जो ये आपने बनाना चाहते हैं 900 करोड़ का होगा, तो ये जो कंडीशन है वो आपकी फुलफिल हो रही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो RBI ने जो विड्रॉल लिमिट है, देखिए जब भी डायरेक्शंस RBI के किसी बैंक पर लगाए जाएंगे तो कुछ वहाँ पर जो है लिमिट लगाई जाएगी, तो यहाँ पर विड्रॉल लिमिट जो है PMC बैंक के लिए वो 1 लाख पर डिपॉजिटर लिमिट लगाई गई है, और जो बैंक है RBI के डायरेक्शंस के अंतर्गत जो भी रहेगा ये आपका बहुत टाइम से है ये ऑलरेडी RBI के डायरेक्शन के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 से, और इसकी रिकवरी हो नहीं पा रही, इसका रिकंस्ट्रक्शन हो नहीं पा रहा है, और ये जो डायरेक्शंस है RBI की ये एक्सटेंड की जा रही हैं। तो अब ये फाइनली 31 दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड हो चुकी है, तो 2 साल से भी ज़्यादा जो ये बैंक है RBI के डायरेक्शन के अंतर्गत आया हुआ है। सो क्वेश्चन देखिए, RBI इज एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ इट डायरेक्शंस टू PMC बैंक टिल - 31 अगस्त 2021, 30 सितंबर 2021, 31 अक्टूबर 2021, 30 नवंबर 2021 एंड 31 दिसंबर 2021। सो बताएंगे करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछिएगा, थम्स अप करिए गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा। सो करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज 31 दिसंबर 2021, ठीक है।
राजू, ये बैंकिंग की क्लास है, ये बैंकिंग का सेशन है। जो आपका स्टैटिक जीके की क्लास है वो आपकी 7:30 पर ही हुई है। उसमें मैंने आपको आज जो फोक डांसेस है वो करवाए हैं, ठीक है? सो आप उसको देख सकते हैं जाकर। यस राइट, ओनली पीडिया राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। अरे राइट, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का जो क्रूड स्टील आउटपुट है, दिस हैज रजिस्टर्ड 46.9 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सो एक वर्ल्ड स्टील डेटा जारी किया गया, इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कच्चा जो स्टील है, क्रूड स्टील यानी कि फिनिश फॉर्म में जो नहीं है, इसमें ग्रोथ दर्ज की गई है 46.9%। इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने जो स्टील आउटपुट रजिस्टर किया है वो 9.2 मिलियन टन्स रजिस्टर किया है मई में, मेट्रिक टन, मिलियन टन्स, सॉरी मिलियन टन्स आपका किया है। एंड सेम मंथ में पिछले साल 5.8 मिलियन टन यहाँ पर स्टील प्रोड्यूस किया गया था। समझ में आ रहा है तो डिफरेंस? तो ये आपका कितना, ऑलमोस्ट 50% आपका इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ, ऑलमोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। सो चाइना जो है फिर से मई में टॉप स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूसर रहा है। सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन करने वाला देश कौन रहा है मई में? चाइना ही रहा है। सो इसने 6.6 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दर्ज किया है इन द आउटपुट एट 99.5 मेट्रिक टन ड्यूरिंग मे। सो 99.5 जो मिलियन टन है इसने इतना प्रोड्यूस किया है, तो टॉप पर चाइना रहा है। और इंडिया और इसके जो स्टील में आप डिफरेंस देख सकते हैं प्रोडक्शन में, वो आपको नज़र आ रहा होगा, 10 times चाइना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? सो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री का एक एसोसिएशन है। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रूजल्स बेल्जियम में है, और मेंबर्स जो हैं इसमें जितने मेंबर्स हैं वो आपका 85% जो ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन है उसको कवर करते हैं। सो क्वेश्चन देखिए, एज पर वर्ल्ड स्टील डेटा इंडियाज क्रूड स्टील आउटपुट हैज़ रजिस्टर्ड डैश ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर स्टील, मतलब स्टील का टॉप प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है? ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो 45.9%, 46.9%, 47.9%, 48.9% एंड 49.9%। सो करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 46.9%, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस सर, एक राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंडिया तो बहुत पीछे है, ठीक है? इंडिया बहुत पीछे है स्टील प्रोडक्शन में। सो 46.9 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सो चाइना आपका नंबर वन पर आता है। तो अगर हम कच्चे इसकी बात करें स्टील प्रोडक्शन की, तो चाइना का 90.2 आप मतलब ऑलमोस्ट 90 मिलियन टन आपका देखने को मिलता है। फिर इंडिया जो है आपका नेक्स्ट आता है 10, ठीक है? फिर उसके बाद 9-10 के आसपास फिर जापान का नंबर आता है। तो जापान से थोड़ा सा ऊपर इंडिया है, ठीक है? सो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड स्टील के अकॉर्डिंग तो इसमें चाइना आपका सबसे ऊपर आता है, फिर इंडिया आता है, फिर जापान आता है, फिर यूएस आता है, फिर रशिया आता है, फिर साउथ कोरिया, टर्की, जर्मनी, ब्राज़ील और ईरान आता है, ठीक है? सो आपका वैसे तो ये कम ही है, ठीक है? अगर आप देखें टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग में, तो आप इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए। चलिए, इंडिया को थोड़ा हमने जो है कम आंक लिया, ठीक है? इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो 10 times यहाँ पर ज़्यादा जो है चाइना प्रोड्यूस करता है, ठीक है? सो इंडिया के अलावा फिर आपका तीसरे नंबर पर जापान आता है, 5 याद कर लीजिए, टॉप 5 वही इम्पॉर्टेंट है, यूएस आता है और फिर रशिया आता है, ठीक है? सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू जो आपका वर्ल्ड स्टील डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, इंडिया सेकेंड नंबर पर है हमारे, यस राइट। चलिए, ठीक है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इंडिया को, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो इंडियाज कोल इंपोर्ट इंक्रीजेस 30.3% टू 22.27 मिलियन टन्स इन अप्रैल 2021। सो इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है, यानी कि जितना हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट में हमारे बढ़ावा हुआ है, 30.3% ये आपका इंक्रीज हुआ है टू 22.27 मिलियन टन्स, हम इतना जो इंपोर्ट कर रहे हैं कोल। एंड इंडिया ने अगर हम देखें इसी मंथ में, अगर हम लास्ट ईयर देखें अप्रैल में, सो 17.09 मिलियन टन जो कोल है ये हमने इंपोर्ट किया था, अभी देखिए 30% ये बढ़ चुका है।
एंड एम जंक्शन सर्विस से जो ये डेटा है उसके द्वारा ही जारी किया गया है, उसी में से पता चला है कि क्या ये डेटा है, कितना परसेंट बड़ा है। एम जंक्शन टाटा स्टील और सेल का एक जॉइंट वेंचर है, याद रखो एम जंक्शन क्या है, टाटा स्टील और सेल का जॉइंट वेंचर है। ये एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी है। टोटल जो कोल और कोक इम्पोर्ट है ये आपका 215.92 मेट्रिक टन है आपका जो कोल और कोका इम्पोर्ट है, एंड अबाउट 12.6 ये परसेंट लोअर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो कोल और कोक इम्पोर्ट तो आपका कम हुआ है, लेकिन जो आपका कोल का जो टोटल कोल एंड कोक इम्पोर्ट है ये आपका बताया गया है, वो तो आपका पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अगर कोल की अगर हम बात करें तो ये आपका बढ़ा है। आ रही बात समझ में? सो क्वेश्चन देखिए, इन अप्रैल 2021 इंडियाज कोल इम्पोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड 30.3% टू -15.07 मिलियन टन्स, 17.09, 19.90, 22.27 एंड 25.40। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 22.27। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग गाइस कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यस सर, एक राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संगलिल फार्मर्स एक्सपोर्ट फाइबर एंड मिनरल रिच ड्रैगन फ्रूट टू दुबई। सो संगलिल फार्मर्स जो है, इन्होंने अभी अपना जो एक ड्रैगन फ्रूट है जो फाइबर और मिनरल में रिच है, इसको दुबई एक्सपोर्ट किया है। सो जो कंसाइनमेंट है ड्रैगन फ्रूट का फॉर एक्सपोर्ट्स वॉज फ्रॉम फार्मर्स ऑफ ददासार विलेज इन सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में ही आपके सांगली डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के फार्मर्स के द्वारा इसको एक्सपोर्ट किया गया है। सो ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा, बाहर से थोड़ा हरा हरा सा होता है, अंदर से वो पिंक कलर का निकलता है और बहुत ही घटिया टेस्ट उसका होता है। सॉरी, बाहर से वो थोड़ा पिंक और ग्रीन कलर का होता है, अंदर से वो एकदम ग्रे कलर का होता है। हाँ, अंदर से थोड़ा ग्रे कलर का होता है और एकदम मतलब मैंने कभी खाया है तो मतलब मुझे नहीं पसंद आया। ठीक है, बाकी अपना अपना टेस्ट होता है। सो संगली फार्मर्स ये आपके शुगर केन यानी कि गन्ने के लिए, ग्रेप्स बोने के लिए, पॉमन ग्रेप्स, अनार और हल्दी बोने के लिए काफ़ी फेमस है फार्मर्स यहाँ के। हाइलोसेरस उंडाटस, ठीक है, हाइलोसेरस उंडाटस ये साइंटिफिक नेम है ड्रैगन फ्रूट का, एंड इसको कमलम भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऐसे स्पाइक्स होते हैं और पेटल्स जो हैं इसके लोटस को रिजेंबल करते हैं, इस तरह से कुछ इसका होता है। सो इस तरह से स्पाइक्स निकले होते हैं इसमें जो कि लोटस को रिजेंबल कर रहे होते हैं, इसलिए इसका जो इसको कमलम के नाम से भी जाना जाता है। सो ये आपका अलग अलग कंट्रीज़ में आपका उगाया जाता है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएस और वियतनाम में, और भारत में इसका जो प्रोडक्शन है 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1990s में स्टार्ट हुआ था। सो क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली सांगली फार्मर्स वर इन न्यूज़ फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रैगन फ्रूट टू दुबई, इन विच स्टेट इज सांगली लोकेटेड। सांगली कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज महाराष्ट्र, राइट। ठीक है, यस यस सर, एक राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, कीवी जैसा तो नहीं होता है, ठीक है, ओनली पीडिया। ड्रैगन फ्रूट बाहर से थोड़ा हरा सा पिंक सा होता है और अंदर से एकदम ग्रेश निकलता है, वाइट ग्रेश सा कुछ। ठीक है, चलिए, यस विजय, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे फोटो लगाना चाहिए था, चलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी साथ में, ठीक है, थोड़ा और आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज टू फेम स्कीम जो है ये आपकी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इनिशियली जो स्कीम थी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, फिर फेम टू स्कीम लाई गई थी, 3 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 2022 तक इसको एक्सटेंड मतलब इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन अब इसको 2 साल के लिए अब एक्सटेंड कर दिया गया है, अभी आपकी लागू रहेगी 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो फेम स्कीम का मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका अडॉप्शन हो सके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके, इंसेंटिव यहाँ पर दिए जाएंगे, बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदेंगे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदेंगे उसके लिए। तो 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2024 तक के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज टू स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स टिल -31 अगस्त 2024, 30 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, 30 नवंबर 2023 एंड 31 दिसंबर 2024, बताएंगे।
सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज 31 मार्च 2024 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट लॉन्च द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम, फेम स्कीम, भारत सरकार के द्वारा कब अडॉप्ट की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 या 2018? बताइए कौन से ईयर में फेम स्कीम को लॉन्च किया गया था. बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2015. 2015 में इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, 2019 में फिर इसको इसका फेज टू लॉन्च किया गया था, जिसको 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन अब इसको फिर से फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. यस सर, एक राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2015. नेक्स्ट देखेंगे, मिनेश शाह, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज दी NDDB's चेयरमैन. ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे NDDB के और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया कि चेयरमैन भी आप बने रहिए 6 महीने तक. सो इनका जो एडिशनल चार्ज है ये 1 जून 2021 से लागू हो चुका है, क्योंकि जो वर्षा जोशी हैं उनका जो टेन्योर है ये 31 मई 2021 को ख़त्म हो गया था, जो कि NDDB की चेयरमैन थी. अब ये जो प्रभार है कौन संभालेगा? मिनेश शाह इसको संभालेंगे. सो ये मेंबर सेक्रेटरी हैं इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के. इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी है डेयरी पॉलिसी और इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, उसके भी सदस्य हैं. सो NDDB की हम बात करें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में आपका फाउंड किया गया था. इसके हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है. ये एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मदर डेयरी इसी की एक सब्सिडरी है. ठीक है, सो इसके चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? मिनेश शाह को बना दिया गया है अभी 6 महीने के लिए. ठीक है, जब तक कि कोई नया यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाता है. सो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ इट्स चेयरमैन? सो विठल भोसले, मिनेश शाह, डॉक्टर वी श्रीधर, अरविंद यादव एंड सुनीत गौतम. बताएंगे. सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मिनेश शाह. ठीक है, मिनेश शाह विल बी द करेक्ट आंसर. यस सर, एक राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज मिनेश शाह. बाकी लोग भी गाइस कमेंट करते रहिए करेक्ट आंसर. चलिए, यस करिश्मा, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखिए, फिस्कल डेफिसिट फॉर द फिस्कल ईयर 2020-21, ये आपका जो रिवाइज एस्टिमेट है बजट का उससे कम ये रहा है. सो एज पर द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डेटा, फिस्कल डेफिसिट फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए ये कम रहा है, अकॉर्ड जो आपका रिवाइज एस्टिमेट था बजट में उससे भी कम ये रहा है. सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये आपका होता है राजकोषीय घाटा इसको कहते हैं. सो जब आपका जो एक्सपेंडिचर है और जो आपका रेवेन्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है. सो रेवेन्यू आपका ज़्यादा है, सॉरी कम है, और एक्सपेंडिचर आपका जब एक्सीड कर जाए. सो फिस्कल डेफिसिट फॉर द फिस्कल ईयर 2020-21 ये आपका स्लाइटली थोड़ा ये बढ़ गया है, मोर देन 18.21 लाख करोड़ हो गया है. एज़ पर द रिवाइज एस्टिमेट था 18.48 लाख करोड़ का. ठीक है, सो ये आपका स्लाइटली ज़्यादा आपका हो चुका है 2020-21 में. अच्छा, रिवाइज एस्टिमेट से तो ये आपका कम है, लेकिन उससे स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कम रहा है. ठीक है, वैसे ही आपका बढ़ गया है फिस्कल ईयर में. ठीक है, वैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया लेकिन रिवाइज एस्टिमेट से कम है. सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट आपका 9.3% ये रहा है एज अगेंस्ट दी 9.5% प्रोवाइडेड इन बजट. तो बजट में आपका 9.5% केवल था, यहाँ पर आपका 9.3% रहा है. सो नेट टैक्स कलेक्शन जो है ये आपका हायर रहा है, जो रिवाइज एस्टिमेट में था नियरली 6%, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ये आपका नेट टैक्स कलेक्शन हुआ है. एक्सपेंडिचर जो था ये आपका 1.8% ज़्यादा रहा है रिवाइज एस्टिमेट से. तो टैक्स कलेक्शन आपका बेहतर हुआ है, एक्सपेंडिचर भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है. फूड सब्सिडी जो थी ये आपकी रिवाइज एस्टिमेट का 124% हुई है. पेट्रोलियम सब्सिडी आपका 93% हुआ है रिवाइज एस्टिमेट का. सो गवर्नमेंट का जो मार्केट बोरोइंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा रहा है. गवर्नमेंट ने अपना जो बोरोइंग टारगेट है इसको जो है इंक्रीज़ कर दिया है. ये आपका मोर देन 12.73 लाख करोड़ रहा है इसका बोरिंग टारगेट. इससे ज़्यादा इन्होंने टारगेट रखा है. ये अभी कितना हो गया है? ये आपका 13.19 लाख करोड़ हो गया है.
सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सरकार का कितना इनकम है कितना खर्चा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट अगर आपका नेगेटिव हो, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और जो आपका टोटल इनकम कम हो, तो इसको अच्छा माना जाता है, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट हर साल जो है सरकार अपने बजट में तय करती है, रिवाइज एस्टिमेट में उसको लिखा जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर बाकी चीज़ें होती हैं। सो फिस्कल डेफिसिट फॉर द फिस्कल ईयर 2020-21 स्टूड एट -% ऑफ GDP 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 एंड 9.5 बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 9.3%, ये आपका रहा है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेबी ने एक जो टेकओवर पैनल है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा है, यानी कि फिर से बनाया है, और एन वेंकटा राम जो है MD और CEO डेलॉयट इंडिया के उसके नए सदस्य बन गए हैं। तो पैनल जो है, दिस लुक्स इनटू द एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम द मैंडेटरी ओपन ऑफर दैट एन एक्वायरर शुड मेक इट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, सो उनको जो है मैंडेटरी ओपन ऑफर जो एक एक्वायरर के द्वारा दिया जाता है, सो उसमें क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे उसको देखने के लिए ये पैनल जो है बनाया गया है। सो पैनल ने रिकमेंडेशन किया था सेबी को इस सच एप्लीकेशन पे, एंड ये करंटली चेयर किया गया है आपका NK सोधी के द्वारा, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट कर्नाटका और केरला रह चुके हैं। इसके अलावा इसमें और सदस्य आपके हैं डेरियस खम्बाटा और थॉमस मैथ्यूटी नए सदस्य हैं, मतलब और सदस्य हैं इस पैनल में, और इस पैनल को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो ये चार सदस्यों का पैनल है। देखिए इसमें चेयरमैन कौन है, NK सोधी हैं, इसके अलावा एन वेंकटा रमन राम हैं, डेरियस खम्बाटा हैं, थॉमस मैथ्यूटी हैं। सो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेबी के द्वारा इनिशियली नवंबर 2007 में, और फिर से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो तब फॉर्मर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन थे के कनन, उनकी चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अभी इसको चेयर कौन कर रहा है, NK सोधी इसको चेयर कर रहे हैं, तो डिफरेंस समझिएगा। सेबी की हम बात करें तो दिस इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट जो भी कह सकते हैं शेयर होल्डर्स हैं आपके, उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में जो है ये आपका सेबी रेगुलेटरी बॉडी है। सो पहले तो ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था नॉर्मल बॉडी की तरह, बाद में ये स्टैट्यूटरी बॉडी इसको, यानी कि वैधानिक दर्जा इसको 1992 में सेबी एक्ट के जरिए दिया गया था, ठीक है। अजय कुमार त्यागी जो है करंटली इसके चेयरमैन हैं, उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया था। सो क्वेश्चन देखिए, हुमंग दी फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ टेक ओवर पैनल रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी, NK सोधी, एन वेंकटाराम राम, डेरियस खम्बाटा, थॉमस मैथ्यू टी एंड के कनन, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए, नया मेंबर कौन जुड़ा है। सो ही इज एन वेंकटाराम, जो कि MD और CEO हैं डेलॉयट के, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। सो NK सोधी जो है ये करंटली चेयरमैन हैं इस पैनल के, टेक ओवर पैनल के, ठीक है। यस आर राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ टेक ओवर पैनल ऑफ सेबी, सेबी के टेक ओवर पैनल के कौन चेयरमैन है, आनंद मोहन बजाज, वी रवि अंशुमन, KVR मूर्ति, NK सोधी एंड NS विश्वनाथन, बताएंगे। सो दोनों टाइप से देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज NK सोधी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स इन गुजरात सौराष्ट्र रीजन इलीगली कल्टीवेट इंडिजिनसली डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। तो जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ फार्मर्स थे, इन्होंने जो इलीगली कल्टीवेट किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, BT कॉटन आपका। सो अनऑथराइज्ड वेराइटी, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि 4BT, BT4, 4G, इसको जो है ये अनऑथराइज्ड वेराइटी है, इसको कल्टिवेट किया गया था, इसको क्रॉस कॉटन, कॉटन को क्रॉसिंग करके इसको डेवलप किया गया है, और ये सौराष्ट्र रीजन में बेसिकली आपका लोकली ग्रोन किया जाता है विद कॉटन कल्टिवेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड US। ऑस्ट्रेलिया और US की कॉटन लिया, उसको क्रॉस जो है कॉटन यहाँ पर क्रॉसिंग करके कॉटन को ग्रो किया गया इस रीजन में। तो इसका लॉन्ग फाइबर लेंथ है और इम्यूनिटी है इसकी पिंक बॉलवॉर्म की तरफ, क्योंकि इसी के लिए आपका BT कॉटन डेवलप किया गया था, है ना। सो कल्टिवेशन ऑफ HTBT कॉटन हैज़ नॉट बीन ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने BT कॉटन को ऑथराइज़ किया है, HTBT कॉटन को ऑथराइज़ नहीं किया है सरकार ने।
बेसिकली आपकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, ये आपकी जो है HTBT कॉटन जो है इसका कल्टीवेशन को, मतलब कोई भी आपका क्रॉप होगा जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा उसको ये आपका ऑथराइज करती है, ठीक है। सो ये आपका इलीगल है इसको ग्रो करना। सो ये आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, ठीक है। सो इसका काम यही है, पहले ऑथराइजेशन करना, ठीक है। तो अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एक्शन ले सकती है कुछ भी अनऑथराइज कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, समझ में आया। सो क्वेश्चन देखिए, इलीगल कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम गुजरात सौराष्ट्र रीजन। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना, ब्रिंजल राइस एंड टोमेटो, बताएंगे, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से कमेंट करिए गाइस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेंट कार्डलेस EMI फैसिलिटी लॉन्च बाय ICICI बैंक। ICICI बैंक ने एक इंस्टेंट कार्डलेस EMI फैसिलिटी ऑनलाइन परचेजेस के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की है। कस्टमर क्या कर सकते हैं, अपना जो ट्रांजेक्शन अप टू 5 लाख का इसको इजी EMIs में तब्दील कर सकते हैं। सो ये ICICI बैंक के जो प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स हैं अक्रॉस 2500 जो ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, सो उस पर ये फैसिलिटी उनको अवेलेबल है। ICICI बैंक जो है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के MD और CEO इसके कौन है, संदीप बख्शी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर आपका बैंक है, काफ़ी एक मेजर बैंक है भारत में। सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड एन इंस्टेंट कार्डलेस EMI फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन परचेजेस ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइज, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई, दैट इज ICICI बैंक, ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेंटर एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ अनंत बरुआ एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। सेबी के पूरे जो होल टाइम मेंबर्स हैं, आपको पता है ना सेबी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, सो जो फुल टाइम मेंबर्स हैं, होल टाइम मेंबर्स, उसमें जो अनंत बरुआ हैं उनका जो टर्म उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए आफ्टर 31 जुलाई, और इनका जो टेन्योर है वो 31 जुलाई 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इनको सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया था जून 2018 में, तो इनका जो कार्यकाल है 3 साल में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब फिर से 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा संतोष कुमार मोहांटी जो हैं, इनका भी जो कार्यकाल है 2 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सो इनका जो टेन्योर है ये जून 24, 2023 तक लागू रहेगा। इनको अप्रैल 2018 में अपॉइंट किया गया था एज दी होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इनको मेंबर चुना गया था, होल टाइम मेंबर। सो क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली सेंटर इज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ 2 होल टाइम मेंबर्स ऑफ सेबी, व्हाट आर देयर नेम्स, गुरुमूर्ति महालिंगम एंड मदाबी पुरी, संतोष कुमार मोहांटी एंड गुरुमूर्ति महालिंगम, अनंता बरुआ एंड गुरुमूर्ति महालिंगम, अनंता बरुआ एंड संतोष कुमार मोहांटी, मेहदाबी पुरी बूच एंड अनंता बरुआ, बताएंगे करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा गाइज। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज अनंता बरुआ एंड संतोष कुमार मोहांटी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है दी होल टाइम मेंबर्स ऑफ सेबी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल FDI फ्लोज डिक्रीज बाय 35% टू 1 ट्रिलियन फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन इन 2019। अनक्टेड, UN कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। सो इसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल FDI फ्लोज है 2021 में ये आपका अराउंड 25% कम रहेगा 2019 के लेवल से, एंड एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 27% ग्रोथ इन FDI इन 2020 टू 64 बिलियन। इंडिया ने FDI में तो ग्रोथ दर्ज किया है, लेकिन इसमें कहा गया है जो ग्लोबल FDI फ्लोज रहेगा 2021 में ये 25% 2019 के लेवल से कम रहेगा। सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन बूस्टेड FDI इनफ्लोज इन इंडिया। भारत में क्यों FDI ग्रोथ बढ़ा है, एक तो ICT में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपका FDI बढ़ा है। सो दो मेजर सेक्टर्स में आपका FDI बढ़ा है, एक तो कंस्ट्रक्शन और एक ICT।
इसके अलावा जो साउथ एशियन जो इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर तो FDI कम हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FDI ने 45% डिक्लाइन रिकॉर्ड किया है इन लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, और अफ्रीका में 16% यहाँ पर कमी आई, सिर्फ भारत में FDI बढ़ा है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो है अंकटेड के द्वारा जारी की जाती है और जो FDI का जो भी ट्रेंड रहता है उसके बारे में रिपोर्ट बताती है। सो अंकटेड की हम बात करें, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो आपका स्टैब्लिश हुई थी 1964 में। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो मॉनिटर करती है आपके इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज़ का, ग्लोबल प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करती है, जो कंट्रीज उनके ट्रेड और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके, जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बहुत सारे लोग के यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। सो क्वेश्चन देखिए, एज पर अंकटेड्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, ग्लोबल FDI फ्लोज इन 2021 वुड बी एट अबाउट डैश बिलो द 2019 लेवल, 5%, 10%, 25%, 20% एंड 35%। बताएंगे करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा गाइस, बताइए। देखिए सेबी में जो है ना आपके 3 फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 फुल टाइम मेंबर्स की है सेबी में, जो आपके एक तो चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है, और जो आपके 3 एटलीस्ट 3 आपके जो है फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यस राहुल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 25%। यस आरिक, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ओनली PDA, आई थिंक अभी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, IBRD, अंकटेड, IDA, IFC या फिर MIGA, बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक पर्टिकुलर न्यूज से आपके 2 या 2 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन निकल रहे हैं तो वो भी मैं आपको साथ साथ कराते चलूँ। ठीक है, ताकि अगर कुछ भी तरह का क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप उसको आंसर कर पाएं। यस राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अंकटेड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आपका बेसिकली जारी करता है। नेक्स्ट देखिए, इंडस इजी क्रेडिट आर डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, दिस हैज बीन लॉन्च बाय इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडस इजी क्रेडिट। सो इस प्लेटफॉर्म से क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने में ये हेल्प करेगा। सो ये प्लेटफॉर्म जो है आपका जो अभी कस्टमर्स हैं इंड बैंक के उनको भी फ़ायदा करेगा, और जो नॉन कस्टमर्स हैं उनको भी ये फ़ायदा देगा। तो दोनों टाइप के जो कस्टमर हैं इंस्टेंटली इनको पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, और ये पूरा पेपरलेस रहेगा, डिजिटल फॉर्म में ये आपका रहेगा। सो इंडस इजी क्रेडिट जो है ये आपका पूरी तरह से फुली डिजिटल एंड टू एंड प्रोसेस जो है ये आपका ऑफर करता है, जो कि इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया स्टैक, ठीक है, उसको यूज़ करता है, उसकी पावर को ये यूज़ करता है, इंडिया स्टैक को इस्तेमाल करके ये आपका इंडस इजी जो क्रेडिट है ये आपका एंड टू एंड प्रोसेस को प्रदान करता है पूरा डिजिटल। सो इंडिया स्टैक क्या है, ये आपका सेट ऑफ API है। API क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, जो आपका कुछ भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपका APIs का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी आपको कॉल वॉल करनी है प्रोग्राम्स के लिए वो आप आराम से कर सकते हैं, APIs उठा के आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो इंडिया स्टैक इसी तरह का एक API है जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने में मदद करता है, ताकि इंडिया की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय इंडस इंड बैंक। सो इंडस मनी, इंडस इजी मनी, इंडस इजी क्रेडिट, इंडस क्रेडिट एंड इंडस इजी ट्रांसफर। तो इंडस इंड बैंक ने एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, सो इसका नाम है ऑप्शन सी, दैट इज इंडस इजी क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। देखिए हाउसिंग जो हाउस प्राइस इंडेक्स है बेसिकली इसको RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वार्टरली इसको जारी किया जाता है।
ठीक है, हर 3 महीने में इसको जारी किया जाता है। ये अभी फोर्थ क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जारी किया गया है। सो ये आपका 2.7% ये आपका बढ़ा है ईयर ऑन ईयर पे, एंड इसमें 15.7% जो इंक्रीमेंट है बेंगलुरु में देखा गया है, और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर देखा गया है, -3.6% का जयपुर में देखा गया है। सो जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा जो हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से मिलता है 10 मेजर सिटीज़ में, उसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, इन्होंने अभी डिक्लाइन जो है देखा है HPI में, लेकिन बाकी सिटीज़ में जो है आपका ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सीक्वेंशियल डिक्लाइन यानी कि कुछ कुछ जो हर क्वार्टर में डिक्लाइन देखा गया है। सो क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस बाय डैश ईयर ऑन ईयर इन क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल 2021, सो 2020-21 2.3%, 2.4%, 2.5%, 2.6% एंड 2.7%। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? सो आपको समझ में आ रहा है ना गाइज, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज 2.7%। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। मैंने आपको पूरे वीक के जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज़ थी वो मैंने सारी कवर करा दी हैं। सो अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। सो तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइज, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।